हेलो सर, एंट्रेंस टेस्ट विच हाई स्कोरिंग दे की बेनीफिट हैं? बेनीफिट हैं नंबर एक, जे तुसी लेना चाहते हो, मन लो तुसी गवर्नमेंट कॉलेज विच एडमिशन लेना चाहते हो, को गवर्नमेंट कॉलेज एक यूनिवर्सिटी विच एक या दो या तीन वध तो वध ने, है ना। सो गवर्नमेंट कॉलेज विच ले सकते हो। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इत्थे एक नंबर लिख देना हाँ, इत्थे दो नंबर लिखदा हाँ। दूसरा तुसी सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन, ये बहुत वधिया क्वेश्चन है, शायद इन्हां नूं पता भी नहीं है जिन्होंने पूछा कि किन्नी अच्छी गल की है, शाबाश। सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन है, सब्जेक्ट दो ने, मेजर ते माइनर, और मेजर माइनर बाद विच कुछ नहीं होना, इत्थे मैं मेजर माइनर लिख दिता है। लेकिन जे तुसी वो तीन साल पढ़िया है सब्जेक्ट मेजर भी ते माइनर भी, तुसी गवर्नमेंट जॉब लई ईजीली एलिजिबल हो जाते हो। दूसरा है कि जे इंटेग्रेटेड है, जैसे SST या साइंस है, तुसी दो सोशल साइंस है, दो साइंसिस पढ़िया हुई हैं, फिर भी तुसी मेजर ते माइनर पैडागोजिकल सब्जेक्ट BEd विच करके तुसी गवर्नमेंट जॉब लई एलिजिबल बन जाते हो। ठीक, हुण ये है कि जे हाई रैंक लेंदे हो तां तुहानू तुहाडा मन पसंदा मेजर सबजैक्ट जिस कॉलेज विच है, माइनर सबजैक्ट है, है ना, तो वह मिल जाते हैं। तो हाई रैंक का, हाई स्कोरिंग का फायदा यह होएगा कि तुहानू वो दोनों सबजैक्ट मिल गए। तीजा नाल फायदा ये नाल ही है कि जिहड़ा तुसी कॉलेज नेड़े चाहते सी, है ना, वो मिल जाता है। कॉलेज दी गल्लां बाद विच करदा हाँ। सो सब तो जरूरी ये है, गवर्नमेंट कॉलेज नालों भी जरूरी ये है कि तुसी गवर्नमेंट जॉब लई एलिजिबल हो जाओ, ऐसे कॉलेज तुहानू सीट मिल जाए। तो किद्दां संभव है जे तुहाडा रैंक जिहड़ा है, स्कोर जिहड़े हन हाई आंदे हन, स्कोर हाई आंदे हन, तां तुसी जिहड़ा पहला सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन बेस्ट तुहाडा बनता है और कॉलेज फिल किया है नेड़े है, वो मिल जाता है। कॉलेज दियाँ होर विशेषतावां हो सकदियां हैं, एक तो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज की प्रॉब्लम यह है कि सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन नंबर बहुत घट होंगे ने। जेकर तुहाडा चौथा फायदा दस लगा हाँ, चौथा फायदा इत्थे लगा, जो तुहाडा ऑड कॉम्बीनेशन है, ऑड कॉम्बीनेशन मतलब मान लो म्यूजिक है, हिस्ट्री है, पोलिटिकल साइंस है, कॉमर्स है, कॉमर्स भी गवर्नमेंट स्कूलों कॉलेज बहुत नहीं है। सो तुहाडा जिहड़े ऑड कॉम्बीनेशन ने, वो जिहड़े प्राइवेट कॉलेज जिथे 200 सीटा है जां 100 सीट है, 200 सीटा वाले तुहानू मैक्सीमम वो मिल जाणगे सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन। सो हाई रैंक लोगे तो ये पॉसीबल है कि तुसी इत्थे पैसे थोड़े जे बचा लोगे, वैसे ज़्यादा पैसे नहीं बचते, इसका अलग तो वीडियो जारी कर दाँगा, डिपेंड करता है किहड़ा गवर्नमेंट कॉलेज है, है ना। तो फीस गवर्नमेंट कॉलेज की पहले वांग नहीं है, तो मेरे ख्याल में जिथे कॉम्प्रोमाइज प्राइवेट कॉलेज वाले कर लेंगे हैं, कई बार तो लगभग उत्थे ही आ जाती है। तीसरा एक बीमारी जिहड़ी नॉन अटेंडिंग की फैली हुई है, उस बारे तुहानू सोचना पेगा, उस तो बचना पेगा, है ना। लर्न असी करना नहीं चाहते, मैं उहदे फेवर में नहीं हाँ, हाँ। तो ये तुहानू फायदे होणगे। चौथा कॉलेज, तुसी कई तुहाडे नेड़े कॉलेज है, थोड़ा जिहा एक दूर कॉलेज है, लेकिन उत्थे एनवायरमेंट उत्थे तंग कट करदे आ, फाइन कट पाउंदे आ, लालची कट ने, तुहानू सही फीस दसदे है, हिडन फीस नहीं रखदे, पहला यूनिवर्सिटी के चार्ज नहीं दसदे, बाद विच जो एडमिशन लै लैंदे फिर चार्जिस दस देंदे, वो इदां दे कॉलेज भी ने। सो ये हाई रैंक का मतलब है कि तुहाडी मर्जी हर जगह चलेगी, बेशक वो गवर्नमेंट कॉलेज होवे, सब्जेक्ट मेजरली गवर्नमेंट जॉब लई एलिजिबल होना होवे, कॉलेज अच्छा चूज करना होवे, जां ऑड कॉम्बीनेशन सब्जेक्ट होवे, इन्ने फायदे है अच्छे रैंक लैंदे। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज, क्वेश्चन पूछने लई थैंक यू, बहुत अच्छा सी, थैंक यू।